बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका पेपर वन है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो इस पेपर से हम यूनिट थ्री को कंप्लीट आज के इस वीडियो में कर देंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड को कम्प्लीट करा दिया गया है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लगभग 120 क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी लगभग 120 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए थे। तो इस तरह से यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो थे वो यूनिट थ्री में 240 थे। तो पार्ट टू है ये आपका, और इसमें हम आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद इन सभी से लगभग 30-30 क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे, और इस तरह से यूनिट थ्री भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और उम्मीद है कि यूनिट फोर्थ के भी कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर का जो पेपर है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का, वह 1 अप्रैल 2022 को है। तो यहाँ पर उसी को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को कंप्लीट कराया जा रहा है। जैसा कि सैम्पल पेपर मैंने पहले ही 100 क्वेश्चंस सैम्पल पेपर को कंप्लीट करा दिया था, तो जो भी टाइम बच रहा है उसमें कोशिश की जा रही है कि आपका रिवीजन फटाफट हो सके। ठीक है, तो इसके लिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो पहला हमारा टॉपिक है आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। आदर्शवाद की बात करें तो यह ईश्वर को प्राथमिक मानता है, इसका भौतिक सत्ता से कोई संबंध नहीं है, प्रथम सत्य इसके लिए ईश्वर है। तो इससे संबंधित प्रश्न हम देख लेते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन, लगभग 30 क्वेश्चंस। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन है कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद में सबसे बड़ी भिन्नता क्या है। तो देखिए यही बात यहाँ पर कही गई है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कि आदर्शवाद प्रकृति को अंतिम सत्य के रूप में नहीं मानता तथा गौड़ स्थान देता है, इसके अनुसार जो है ईश्वर ही प्रथम है। क्वेश्चन नंबर टू है कि पेस्टोलॉजी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ है। तो टू का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सन 1746 में। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है कि शिक्षा व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का संतुलित विकास है, यह कथन किसका है। तो यह पेस्टोलॉजी का स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर है कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के समर्थक माने जाते हैं, तो सभी माने जाएंगे हर्बर्ट पेस्टोलॉजी और फ्रॉबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देख लेते हैं। फाइव पूछा है कि प्रत्येक व्यक्ति में मानवता का अंश है और उसमें अच्छा बनने की प्रकृति भी है, यह कथन किसका है। तो यह पेस्टोलॉजी महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा है कि कमेनियस के अनुसार ज्ञानेंद्रियों द्वारा, तर्क द्वारा तथा दैवी प्रकाशन द्वारा निम्न में से एक प्राप्त किया जा सकता है, क्या प्राप्त किया जा सकता है। तो सिक्स की बात करें, सिक्स का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन है कि कमेनियस का विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति में निम्न गुण विद्यमान होते हैं, कौन कौन से। तो ये गुण हैं सत्य, गुण, ईश्वर में विश्वास, यानी सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम सेवन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है कि रिपब्लिक के लेखक हैं, रिपब्लिक जो बुक है उसके लेखक कौन है। तो ये हैं प्लेटो महोदय, करेक्ट आंसर यहाँ पर एट का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन है कि शिक्षा मुक्ति का साधन है, ये किसने कहा है। तो यह शंकराचार्य ने कहा है, नाइन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर टेन कहा है कि गुड महोदय के अनुसार पारलौकिक सार्वभौमिक तत्वों, आकारों तथा विचारों में वास्तविकता निहित है, यह सार किस वाद से संबंधित है। तो यह आदर्शवाद से संबंधित है, करेक्ट आंसर यहाँ पर टेन का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेवन देखेंगे। पूछा है कि आत्मगत प्रत्ययवाद के अनुसार परम तत्व निम्न में से क्या है। तो यह है मनस, करेक्ट आंसर यहाँ पर इलेवन का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्व देखेंगे। ट्वेल्व पूछा है कि पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में हेगल के बाद सबसे प्रसिद्ध निरपेक्ष प्रत्ययवाद निम्न में से किसने दिया। तो यह दिया एफ एच ब्रेडले महोदय ने। नेक्स्ट थर्टीन है कि बिशप बर्कले ने निम्नलिखित में से किस प्रत्ययवाद का समर्थन किया। तो इन्होंने किया आत्मगत प्रत्ययवाद, करेक्ट आंसर थर्टीन का यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टीन देखेंगे। फोर्टीन पूछा है कि आदर्शवादियों ने ज्ञान शास्त्र में निम्नलिखित में से किस पर विशेष जोर दिया है।
तो इन्होंने प्रत्यय पर यानी कॉन्सेप्ट पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है। 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि आइडियलिज्म पद के लिए निम्नलिखित में से कौन से पद उपयुक्त हैं। इसमें प्रत्ययवाद, अध्यात्मवाद और आदर्शवाद, ये तीनों नाम हैं आइडियलिज्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आदर्शवादी निम्नलिखित विज्ञानों में किन पर अधिक जोर देते हैं। तो यह उपरोक्त दोनों पर देंगे, यानी नियामक विज्ञान पर और सामाजिक विज्ञान पर। भौतिक विज्ञान पर जो है प्रकृतिवाद देता है। तो यहाँ पर 18 की बात करें, 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सॉरी यहाँ पर आदर्शवादी दिया है। आदर्शवादी निम्नलिखित विज्ञानों पर किस पर जोर देते हैं, ये पूछा। तो जैसा कि बिल्कुल सही है, इसमें आंसर सी ही आएगा, उक्त दोनों यानी नियामक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान तो प्रकृतिवाद पर जोर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है कि जगत की निम्नलिखित व्याख्याओं में से आदर्शवादियों के अनुसार कौन व्याख्या उपयुक्त है, इनमें से बतानी है। 17 को अगर हम देखें तो 17 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रयोजनवादी यानी प्रैग्मेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अध्यात्मवाद के इतिहास में कौन से प्रकार पाए जाते हैं। तो ये सभी प्रकार पाए जाएंगे जो भी दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि आदर्शवाद पद दर्शन के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। तो मूल शास्त्र पर सबसे अधिक उपयुक्त माने जाते हैं। 19 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है 20 पूछा है कि आदर्शवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से किसका स्थान सृष्टि में केंद्रीय है। तो मानव का स्थान केंद्र में है, यानी करेक्ट आंसर 20 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 21 है कि मानव का कल्याण होता है किससे होगा। तो सत्यम शिवम सुंदरम, ये ध्येय वाक्य हैं, इनको ध्यान रखिएगा, इनसे मानव का कल्याण होता है। नेक्स्ट 22 है कि आदर्शवादियों का विचार है कि भौतिक संसार की वस्तुएं हैं कैसी हैं। तो ये अस्थाई एवं नश्वर हैं। नेक्स्ट 23 है कि आदर्शवाद के अनुसार सर्वव्यापी हैं, क्या हैं। तो ये मूल एवं आदर्श जो हैं यह सर्वव्यापी कहलाएंगे। 24 है कि आदर्शवादियों की आस्था है किसमें है, तो सत्य में मानी जाती है। 25 देखेंगे, 25 है कि आदर्शवाद दर्शन शास्त्र का एक ऐसा संप्रदाय है जिसकी जड़ें मिलती हैं, कहाँ मिलेंगी। तो यह प्राचीन काल से संबंधित है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 26 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है कि शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम तथा सुंदरम के उद्देश्यों को अपनाया जाना चाहिए, यह कथन किसने प्रतिपादित किया था। तो यह प्लेटो ने प्रतिपादित किया था, करेक्ट आंसर 26 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 27 है कि प्लेटो ने निम्न पर बल दिया था, किस पर बल दिया था, इन्होंने मानव मन पर बल दिया था। 27 का करेक्ट आंसर ए हो गया। चलिए बढ़ते हैं कुछ और प्रश्नों की तरफ, यानी 28 नंबर क्वेश्चन पर पूछा है कि सुकरात की विचारधारा थी कैसी थी। तो यह आदर्शवादी थे, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 29 है, आदर्शवाद के प्रवर्तकों में प्रमुख हैं कौन हैं। तो कमेनियस, प्लेटो और क्रिस्टोलॉजी, ये तीनों ही प्रमुख माने जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 30 है कि आदर्शवाद तथा प्रकृतिवाद में अंतर स्पष्ट करते हुए रस्क महोदय ने अपनी पुस्तक फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में निम्न अंतर बताया, क्या प्रमुख अंतर बताया। तो ये हो जाएगा 30 का ए, यानी इन्होंने बताया कि आदर्शवाद प्रकृतिवाद से अधिक व्यापक तथा अध्यात्म पर बल देता है। तो दोस्तों यहाँ पर थे आदर्शवाद से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे प्रकृतिवाद पर यानी नेचुरलिज्म पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप फटाफट रिवीजन के तहत देख लीजिए। तो इनके भी लगभग हम 30 क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद आपका प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म आ जाएगा, फिर यथार्थवाद और कंप्लीट आपका यूनिट 3 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा है कि शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसकी देन है। तो यह है कमेनियस की देन, करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कमेनियस नहीं होगा, पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रूसो देखने को मिलेंगे, क्योंकि शिक्षा में दर्शन में जो इन्होंने दिया है यह प्रकृतिवाद रूसो का है। करेक्ट आंसर आप डी लगाइएगा, ए नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन में शिक्षक का योगदान क्या है। तो शिक्षक का योगदान क्या रहेगा, तो शिक्षक माली रहेगा, ठीक है, और जो छात्र रहेगा वो पौधा रहेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी लगा लीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा बड़ा करते हूँ और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पूछा है कि शिक्षा में प्रकृतिवाद का क्या रूप है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी
इसको हम यांत्रिक प्रकृतिवाद, भौतिक ज्ञान पर प्रकृतिवाद और जैविकी प्रकृतिवाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि प्रकृतिवाद किस शिक्षा का समर्थक है। तो यहाँ पर 4 की बात करें तो यह आत्म शिक्षा पर बल देता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है कि प्रकृतिवाद किस प्रकार अनुशासन उत्पन्न करना चाहते हैं। तो 5 की बात करें, 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्राकृतिक परिणामों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है कि शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया है, किसने बनाया है। तो शिक्षा को बाल केंद्रित जो बनाया है वह बनाया है प्रकृतिवाद ने, क्योंकि प्रकृतिवाद करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्यवहारवाद मनोविज्ञान प्रकृतिवाद का ही शिशु है या कथन किसका है। तो 7 की बात करें, 7 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा या डाल्टन का है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शिक्षा को इंद्रिय का उचित प्रयोग करके ज्ञान द्वार खोलना चाहिए, यह किसने बताया है। तो यह रूसो ने बताया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 पूछा है कि प्रकृतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया, किसने किया। तो प्रकृतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह बेकन कमेनियस ने किया, इन्होंने प्रयोग किया था, लेकिन ड्यूई इसमें प्रमुख थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की प्रकृतिवादी अनुशासन के किस रूप के समर्थक हैं। तो यह प्रभावात्मक रूप के समर्थक हैं, यानी 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। 11 पूछा है कि सरल तथा सादा जीवन जो प्रकृति के निकट व्यतीत किया जाता है सबसे उत्तम जीवन है, यह कथन किसका है। तो 11 की बात करें, 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यह रूसो महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, रूसो के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि थॉमस हॉब्स का नाम दर्शन के निम्न संप्रदाय में आता है, किसमें आएगा। तो 12 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, इसमें प्रकृतिवाद के अंतर्गत इनको देखा गया है। 13 का देख लेते हैं, पूछा है थेल्स ने चरम सत्य के दर्शन प्रकृति में किए थे अतः वह कहलाए, तो वह प्रकृतिवाद कहलाए। करेक्ट आंसर यहां पर 13 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रकृतिवादी का सर्वप्रथम प्रतिपादन थेल्स ने किया था जो थे, क्या थे। यह एशिया माइनर के तटीय नगर का निवासी था, अगर हम थेल्स की बात करें। तो 14 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, पूछा है कि प्रकृतिवाद निम्न को किस प्रकार से कोई महत्व नहीं देता है। तो प्रकृतिवाद अध्यात्म में भरोसा नहीं करता, इसका मानना है कि अंतिम सत्ता भौतिकवाद में है, ईश्वर में नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वोत्तम सत्ता के रूप में क्या करता है, तो यह स्वीकार करता है। 16 का करेक्ट आंसर यहां पर ए हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रकृतिवाद केवल आस्था रखता है, किसमें। तो यह भौतिक ब्रह्मांड में आस्था रखता है। 18 है कि प्रकृतिवाद शुद्ध रूप से निम्न विचारधारा का या निम्न विचारधारा पर केंद्रित है, किसमें है। तो यह वैज्ञानिक चीज़ों पर, क्योंकि इसका मतलब है, इसका कहने का अर्थ है कि जो बच्चा है वह वैज्ञानिक या प्रयोगों द्वारा चीज़ों को सिद्ध कर सकता है या खेल खेल में सीखता है, यानी प्राकृतिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शिक्षा आंतरिक विकास है ना कि बाहर से कुछ प्राप्त किया हुआ, या कथन किसका है। तो यह रूसो का है, रूसो प्रकृतिवादी थे। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी किस पर। तो क्रिया द्वारा या करके सीखने पर बल देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखेंगे। 21 है कि नकारात्मक शिक्षा देन है, किसकी है। नकारात्मक शिक्षा, तो यहाँ पर अगर हम 21 की बात करें तो जो नकारात्मक शिक्षा है यह रूसो की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 कि प्रत्येक वस्तु प्रकृति के नियंता के यहाँ से अच्छे रूप में आती है, केवल मनुष्य के संपर्क से ही वह दूषित हो जाती है, यह कथन कैसा है। तो यह रूसो महोदय ने बताया है। इन्होंने माना है कि प्रकृति हमें सब कुछ अच्छा देती है, लेकिन यहाँ आते ही यानी मनुष्य के हाथों में पड़ते ही यह दूषित हो जाती है, कुछ इस तरह से स्टेटमेंट था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, ये बात रूसो ने कही। नेक्स्ट 23 है कि रूसो का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था। तो सन 1712 में जो है रूसो का जन्म हुआ, डेट दी है सीधा सीधा, तो ध्यान रखिएगा 23 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 24 है अमोल नामक पुस्तक जो शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्थान रखती है के लेखक हैं।
तो एमोल नामक पुस्तक रूसो की है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 24 का जो है वह बी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 है कि रूसो प्रकृतिवाद को प्रोत्साहन देने वाले विचारक थे, अतः उन्हें प्रकृतिवादी ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया तो उन्होंने प्रकृति को सबसे अधिक महत्व दिया। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंतर्गत। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 की प्रकृति द्वारा जो मार्ग निर्धारित किए जाते हैं वे समाज द्वारा निर्धारित मार्गों से श्रेष्ठ होते हैं। यह विचारधारा थी किसकी थी, तो यह रूसो की है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 26 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की प्रकृतिवाद शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है, तो प्रकृतिवाद जो है वह मनोविज्ञान पर जोर देता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला है 28 पूछा है कि हमें पूर्ण जीवन के लिए तैयार करना ही वह कार्य है जो शिक्षा को पूरा करना है, यह कथन किसका है, तो ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का है। 28 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 29 देखेंगे कि शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है, तो यह खेल प्रणाली की अगर बात करें तो यह प्रकृतिवाद का आविष्कार है, क्योंकि खेल खेल में बच्चा या बालक सीखता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि प्रत्येक वस्तु अच्छी है जैसा कि प्रकृति से लेखक के पास आती, परंतु मानव के हाथों में आकर प्रत्येक वस्तु पतित हो जाती है, यह कथन किसका है, तो बिल्कुल रूसो महोदय का ये स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमारी बात हो गई प्रकृतिवाद को लेकर के। अब देखेंगे हम प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद एक और पार्ट है यथार्थवाद, ठीक है, तो उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 3। तो चलिए जल्दी जल्दी इनके भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 है कि निम्न पुस्तकों में जॉन ड्यूवी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो ये सभी पुस्तकें पुस्तकों से पूछ सकता है कि किसकी पुस्तक है, या स्कूल ऑफ टुमारो किसकी बुक है, या डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, या द स्कूल एंड द सोसाइटी, ये बुक किसकी है, इसके लेखक कौन है, तो ये हैं जॉन ड्यूवी की बुक्स, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि शिक्षा अनुभव की होती है, आत्म अनुभव द्वारा होती है, शिक्षा अनुभव की होती है, आत्म अनुभव द्वारा होती तथा अनुभव के लिए होती है, यह कथन किसका है, तो 2 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जॉन ड्यूवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पूछा है कि अगस्त कॉम्टे का जन्म हुआ कब हुआ था, तो सन 1698 में अगस्त कॉम्टे का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, तो ये सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, भौतिक विज्ञान, मानकी विज्ञान और कला। 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव है कि जॉन ड्यूवी किस प्रकार के प्रयोजनवाद का समर्थन करता है, तो 5 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, जैविकीय। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन में क्या दोष है, तो ये सभी दोष हैं परिवर्तनीय सत्य, जैविकी, पक्षपात और उद्देश्य की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि परिणाम देने वाले कार्यों को करने से और एक सामाजिक तथा सहयोगपूर्ण विधि से एक विशेष प्रकार का अनुशासन उत्पन्न होता है, यह कथन किसका है, तो यह है जॉन ड्यूवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखेंगे, पूछा है कि शिष्यों की तत्कालिक आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षा लक्ष्यों का समर्थन करते हैं, कौन करते हैं, तो यह प्रयोजनवादी करते हैं। 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पूछा है कि FCS शलर का प्रयोजनवाद किस प्रकार का था, तो यह मानवतावादी था। करेक्ट आंसर 9 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रयोजनवादियों के अनुसार विभिन्न विषयों और क्रियाओं का होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, तो यह एकीकरण होना चाहिए। 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य की खोज किस माध्यम से की जाएगी, तो यह अनुभव से की जाएगी। 11 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन, पूछा है प्रयोजनवादी इस अनुशासन को महत्व देते हैं, तो प्रयोजनवादी जो हैं वह सामाजिक अनुशासन को महत्व देते हैं। 12 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है कि प्रयोजनवादी मन तथा पदार्थ को स्वीकार करते हैं, किसमें, एक और अलग दोनों में स्वीकार करते हैं। 13 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट 14 है कि प्रयोजनवाद उस नए आदर्शवाद का प्रथम चरण है जो आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक मान्यताओं में सामंजस्य उत्पन्न करेगा, यह कथन किसका है, तो यह रस्क महोदय का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 14 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि प्रयोजनवादी विद्यालय को मानते हैं, क्या मानते हैं,
तो ये प्रयोगशाला मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 15 क्वेश्चन, कुछ और देखते हैं इनमें से। चलिए 15 के बाद 16 नंबर का क्वेश्चन भी देखते हैं। 30 क्वेश्चंस हर एक आपको उससे मिलेंगे, यानी प्रयोजनवाद प्रकृतिवाद सबसे। 16 है कि दैवी शक्ति की कल्पना करना पसंद नहीं था, किसको नहीं पसंद था? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, DUV को पसंद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दी स्कूल एंड दी चाइल्ड तथा हाउ विंग थिंक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? 17 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये हैं जॉन DUV। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि फ्रांसिस बेकन की मृत्यु कब हुई थी? तो यह हुई थी सन 1626 में, यानी 18 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 19 है कि DUV पाठ्यक्रम में निम्न गुणों को विशेष महत्व देते हैं, कौन सा महत्व देते हैं? तो 19 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, लचीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है कि शिक्षा एक ऐसी क्रिया है जो सतत रूप से अनुभवों का नव निर्माण तथा पुनर्संगठन करती है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह DUV महोदय की है, यानी जॉन DUV। 20 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट 21 है कि निम्न विचारधाराओं में DUV के विचार कौन से हैं? तो ये सभी DUV के विचार हैं, यानी करेक्ट आंसर 21 का डी हो जाएगा। अगला है 22 नंबर का क्वेश्चन कि प्रयोजनवाद के प्रवर्तकों में से एक हैं कौन है? तो ये है हेराक्लिट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि अमेरिका के दार्शनिकों में जो प्रयोजनवादी कहे जाते हैं उनमें से प्रमुख है कौन है? तो ये सभी हैं जॉन DUV, विलियम जेम्स और चार्ल्स सेकंड पियर्स। नेक्स्ट है 24, जॉन डीयूवी का जन्म में किस सन में हुआ पूछा है? तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सन 1859 में। 25 देख लेंगे। 25 दिया है कि जॉन DUV महोदय का जन्म बरमांट के निम्न नगर में हुआ था, किसमें हुआ था? तो यह हुआ था वारलिंगटन। करेक्ट आंसर यहाँ पर 25 का ए हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चंस। अब आएंगे हम यथार्थवाद पर, यानी रियलिज्म पर। तो इन पर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इसके बाद यूनिट जो 3 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम कोशिश करेंगे यूनिट 4 को भी कंप्लीट करने की। तो पहला प्रश्न शुरू करेंगे। पहला प्रश्न पूछा है कि सभी वस्तुएं यथार्थ के सम्मिश्रण या प्रतिमान के रूप में हैं, यह विचार किसका है? तो यह विचार हर्बर्ट का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मस्तिष्क को कोरी पाटिका के समान है जिस पर अनुभव द्वारा कुछ भी लिखा जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह है लॉक महोदय का, यानी जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि थॉमस एक्विनास को यथार्थवाद के प्रतिपादकों की श्रेणी में क्यों रखा गया? तो इसमें करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पदार्थ की वास्तविकता के विश्वास के कारण इन्हें रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि जॉन लॉक ने मस्तिष्क को माना है, तो इन्होंने एक कोरी पाटिया या कोरी स्लेट माना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि समीक्षात्मक यथार्थवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि सरल यथार्थवाद की प्रमुख मान्यताएं निम्न में से क्या हैं? तो ये सभी हो जाएंगी, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन से विचारक नव्य यथार्थवादी कहलाते हैं? तो 7 की बात करें, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी यथार्थवाद, यानी GE मूर, बर्टेंड रसेल, EV होल्ट, ये सभी जो माने जाएंगे या यथार्थवादी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सरल यथार्थवाद सत्य से निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसको मानता है? तो यह अनुकूलतावादी सिद्धांत को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कर लीजिएगा कि समीक्षात्मक यथार्थवाद पर निम्नलिखित में से कौन से तर्क लागू होते हैं? तो यहाँ पर 9 का करेक्ट आंसर जो है वो भी हो जाएगा, प्रतिनिधित्ववाद। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि वैज्ञानिक यथार्थवाद निम्नलिखित में से किसको ज्ञाता पर निर्भर नहीं मानता है? तो उपरोक्त सभी पर, यानी प्राथमिक गुण, वस्तु का अस्तित्व और सरल विचार। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। पूछा है जॉन लॉक का जन्म हुआ था, तो कब हुआ था जॉन लॉक का जन्म? तो 11 का करेक्ट आंसर जो है डी हो जाएगा, सन 1632 में हुआ था।
तो जन्म वगैरह ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 12 है कि अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में क्या था, माना जाता है नहीं हुआ था। तो यहाँ पर था, बहुत सिंपल है, ये 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि अरस्तु विद्यार्थी था, किसका था, तो अरस्तु प्लेटो का विद्यार्थी था। 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 देख लेते हैं। तो 14 पूछा गया है कि वर्तमान समय में प्रमुख प्रवर्तक के रूप में यथार्थवादी विचारधारा के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, तो ये हैं व्हाइट हेड तथा रसेल, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 पूछा है यथार्थवाद के प्रमुख प्रतिपादक हैं, इनमें से कौन है, तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अरस्तु, जॉन लॉक, हर्बर्ट तथा हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संसार में जो कुछ निम्नहीन पशुवृत्ति का प्रतीक एवं भ्रष्ट दिखाई पड़ता है वह यथार्थ है, यह चित्रण करना निम्न का कर्तव्य एवं दर्शन है, किसका है, तो यह यथार्थवाद का है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 16 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है जिसका वास्तव में अस्तित्व है उसका अध्ययन करना ही निम्न का उत्तरदायित्व है, किसका है, तो यह यथार्थवाद का है। करेक्ट आंसर 17 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि हमारे अनुभव करने का वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह कौन सा दर्शन है, तो 18 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यह यथार्थवाद का दर्शन है। देखिए जब आपको इकट्ठे सारे क्वेश्चन मिलेंगे तो कन्फ्यूज़न बहुत होगा, तो आप इनको अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। 19 देखते हैं। 19 पूछा है विद्यालय मनुष्यों के कूट निर्माण का एक अच्छा एवं सच्चा स्थान है, यह विचार किसका है, तो 19 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, यह कमेनियस का विचार है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ज्ञान महान है किंतु बुद्धि जो इस ज्ञान की खोज करती है उसे भी उच्च है, यह कथन किसका है, तो यह बर्टेंड रसेल का स्टेटमेंट है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है कि आदर्शवाद का सबसे प्रसिद्ध खंडन निम्नलिखित में से किसने उपस्थित किया, तो ये G.E. मूर ने इसका खंडन सबसे अधिक किया। 21 का करेक्ट आंसर भी हो गया। 22 देख लेते हैं। 22 पूछा है मूर ने आदर्शवाद का खंडन निम्नलिखित में से किसके खंडन के आधार पर किया, तो सत्ता दृष्टता है इस चीज़ पर इन्होंने खंडन दिखाया। 23 है कि शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य क्या है, तो 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, आनंदमय और संकलित जीवन। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मूर ने अपने सिद्धांतों में निम्नलिखित में से किसका विरोध किया, तो उक्त सभी का, यानी निरपेक्षवाद, ब्रिटिश अनुभववाद और परात्परवाद का, इन सभी का इन्होंने खंडन किया। 25 है कि यथार्थवादी शिक्षा किस पर केंद्रित है, तो 25 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, विद्यार्थी पर। नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है कि शिक्षा शास्त्री बेकन किस वर्ग में आता है, तो यह यथार्थवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि संपूर्ण वस्तु नहीं बल्कि उसके कुछ पहलू ज्ञान का विषय है, यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है, तो यह नव यथार्थवाद का सिद्धांत है। 27 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 है कि वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञान से स्वतंत्र होता है, सामान्य बुद्धि का यह सिद्धांत निम्नलिखित में से किसका है, तो 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सरल यथार्थवाद का। 29 देखेंगे। 29 पूछा है कि यथार्थवाद अध्यात्मवाद से निम्नलिखित किन क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से भिन्न है, तो यह प्रमाण शास्त्र से भिन्न है। 29 का करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 30 है कि यथार्थवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में है, तो उपरोक्त सभी में, यानी गुण वस्तु में, वस्तु ज्ञान से स्वतंत्र और वस्तु में सार्वजनिक। तो इस तरह से यहाँ पर ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और यूनिट 3 जो है वह पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा देंगे, तो उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर यूनिट 4 में भारतीय शैक्षिक विचारक जो भी हैं, महात्मा गांधी, जॉन डीयूवी या जो भी हैं, उनको भारतीय शैक्षिक विचारक, ठीक है, तो उनको हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, यूनिट 4 में इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।